नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी, जो आपका पेपर है उसके यूनिट वन से लेकर के यूनिट फाइव तक के रिवीजन की। कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएँ रहती हैं। यह वीडियो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जितने भी छात्र हैं सेकेंड ईयर के, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन आप लोगों तक ना पहुँचे, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। कुछ आज यूट्यूब में ग्लिच देखने को मिल रही है, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँच रही है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब बेल आइकन आएगा उसको, उसमें जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी चैनल पर वीडियोस पड़ेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। और आज का जो आपका करिकुलर स्ट्रेटजीज का पेपर था वो कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा। किस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्नों को किया, जो पेपर का लेवल था वो आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे परिवार और समुदाय की। सबसे पहले दो चीज़ें, परिवार क्या है और समुदाय क्या है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिवार से। परिवार क्या है, फैमिली क्या है? हम कह सकते हैं कि परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई होगी। सबसे छोटी इकाई हम किसको बोलेंगे, परिवार को, जिसमें सदस्यों के रूप में विपरीत लिंग के दो व्यक्ति विवाह के साथ रहते हैं, यानी कि विवाह करने के बाद में विपरीत लिंगों के दो व्यक्ति एक साथ में रहते हैं। और परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी समूहों में से परिवार मनुष्य का सबसे प्राथमिक समूह है, और परिवार जो है उसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, पुत्र पुत्री इत्यादि, ये सभी जो हैं वो परिवार के अंतर्गत आते हैं। परिवार यानी कि फैमिली, जो आपका इंग्लिश भाषा का जो शब्द है वो क्या है दोस्तों, ये फैमिली जो है वो फैमुलस शब्द से मिलकर बना है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर या गुलाम, ये सभी एक साथ में रहते हैं, या इसमें ये सभी आ सकते हैं। मैकाइवर ने परिभाषा, अगर आपसे पूछ लेता है कि मैकाइवर की परिभाषा यानी कि फैमिली यानी कि परिवार की परिभाषा लिखिए, यानी कि परिवार को परिभाषित कीजिए, परिवार को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? मैकाइवर के अनुसार याद कर लीजिएगा, और आप लोगों ने इससे पहले भी याद कर रखे होंगे, मैकाइवर ने इसकी परिभाषा क्या दी, परिवार वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना तथा उनका लालन पालन पोषण करना होता है। तो ये दोस्तों मैकाइवर ने कहा। मैकाइवर ने कहा कि परिवार वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और या एवं उनका लालन पालन पोषण करना होता है। या हम कह सकते हैं कि डेविस के अनुसार परिवार की क्या परिभाषा रही, तो डेविस के अनुसार परिवार की परिभाषा, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें रक्त संबंध होते हैं और वे इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परिवार हम कह सकते हैं निमकाफ या ऑकबर्न के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, परिवार पति पत्नी की संतान रहित व संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चे सहित या इससे अधिक सीमित है या समित है। दोस्तों यह आपके परिवार कहलाते हैं। परिवार की मुख्य विशेषता यानी कि परिवार किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवार है, तो परिवार की अगर आपसे विशेषताएं पूछता है कि परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि यह एक परिवार है, तो परिवार में सबसे पहली
विशेषता अभी आप लोगों ने सुनी कि परिवार में दो व्यक्ति विपरीत लिंगों के रहेंगे, यानी कि पहला आपकी विशेषता हो जाएगी पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध। इसके बाद में दूसरा रक्त संबंध, रक्त संबंध, पति पत्नी हो गया, रक्त संबंध में क्या उसके माता पिता हो गए, और हो सकता हो कि भाई बहन भी हो सकता हो कि उसके बच्चे भी हो। तो रक्त जो आपका रक्त संबंध हो गया, ये भी विशेषता देखने को मिलती है। निवास स्थान, यानी कि एक ही निवास स्थान पर रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, निवास स्थान भी देखने को मिलता है इसकी विशेषता में। वंश नाम की व्यवस्था, वंश नाम की व्यवस्था में क्या होता है, चौथी विशेषता वंश नाम की व्यवस्था। प्रत्येक परिवार का अपना एक वंश या गोत्र होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के लिए स्थानांतरित होता रहता है। इसमें मातृवंशी और पितृवंशी भी हो सकता है, यानी कि वंश जो है वो मातृवंशी भी हो सकता है और पितृवंशी भी हो सकता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट आपकी विशेषता भावनात्मक, भावनात्मक विशेषता। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्य आपस में भावनाओं से बंधे रहते हैं, सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम सहित वात्सल्य से एक साथ में रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। भावनाएं जब जुड़ी होंगी तो आर्थिक सहयोग भी जुड़ा होगा। आर्थिक यानी कि पैसे की चीज़ें, अगर हमको पापा से किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर हमको भाई से किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम परिवार में ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ये भी परिवार की एक विशेषता होती है, सामाजिक सुरक्षा। सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान, क्या हमारे घर में सभ्यता है, किस प्रकार से हमारे घर में लोग रहते हैं और कौन कौन सी संस्कृति हमारे यहाँ कार्य करती है। सामाजिक नियंत्रण, सीमित आकार, स्थायी व अस्थायी प्रकृति, तो ये सभी आपकी परिवार की विशेषताएं होती हैं। अगर आपसे पूछता है तो ज़रूर बताइएगा परिवार की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं परिवार के प्रकारों की, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। तो परिवार सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि परिवार अगर बात कर लें, पहला प्रकार आपका सत्ता वंश, अगर हम कह सकते हैं सत्ता वंश और निवास स्थान के है। इसमें दो प्रकार में बांट देंगे इसको हम, एक आपका पितृ सत्ता यानी पिता की जहाँ पर सत्ता होगी, दूसरा आपकी मातृसत्ता, मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। तो जहाँ पर पिता की सत्ता होगी वहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार होगा, जहाँ पर माता की सत्ता होगी तहाँ पर माता मातृसत्तात्मक परिवार होगा। इसके बाद में दूसरा नंबर आपका विवाह प्रणाली के आधार पर, विवाह प्रणाली के आधार पर इसको हम बांटेंगे तीन प्रकार से, जहाँ पर एक विवाही परिवार, दूसरा आपका बहुविवाही परिवार और तीसरा आपका हुआ बहु यानी कि बहुपति परिवार और बहुपत्नी परिवार। बहुपति परिवार आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग महाभारत देखते होंगे तब पांच पांडव और एक उनकी पत्नी, और बहुपत्नी परिवार यानी कि पत्नियां अधिक और लेकिन पति जो है वो एक। जो बहुपति परिवार है ये घास और टोडा जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, और एक विवाही परिवार जिसमें एक ही माता पिता और उसके बच्चे रहते हों। तो इस प्रकार से आपका, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा किस प्रकार से परिवार को बांटा गया, संगठन के आधार पर परिवार को वर्गीकृत किया गया, संगठन के आधार पर। तो इसमें एकांकी परिवार कहा गया, नंबर एक एकांकी परिवार। तो एकांकी परिवार में माता पिता होंगे, माता और पिता होंगे और उसके अविवाहित बच्चे, विवाह नहीं उनका हुआ होगा, अविवाहित बच्चे जो हैं माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं वो एकांकी परिवार में आएंगे। इसके बाद में इसी के अंतर्गत एकांकी परिवार के बाद में आपका संयुक्त परिवार दूसरा पॉइंट आएगा। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन आएंगे, संयुक्त परिवार में इसमें माता पिता तथा विवाहित बच्चे, चाचा चाची, पुत्र वधु पौत्र इत्यादि सभी आते हैं। इसके बाद में हम अगर तीसरे परिवार की बात कर ले, जो आपका विस्तृत परिवार है, विस्तृत परिवार। तो दोस्तों विस्तृत परिवार में रक्त संबंध, माता पिता, रिश्तेदार भी साथ में शामिल हो जाएंगे।
दादी बाबा भी शामिल हो जाएंगे। तो ये सभी आपका विस्तृत परिवार। और विखंडित परिवार, विखंडित परिवार, तो दोस्तों विखंडित परिवार क्या क्या कौन कौन आएगा, इसमें माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मृत्यु के पश्चात या कोई भी कारण हो सकता है, विच्छेप होना, अलग हो जाना, तो ये दोस्तों आपका विखंडित परिवार कहलाता है। इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए परिवार के प्रकार। इसके बाद में मान लीजिए कि कहा जाता है कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार पर विकलांगता का प्रभाव। यानी कि सभी लोग सोच रहे थे कि परिवार में जब बच्चा आएगा तो बहुत ही स्वस्थ होगा, और मान लीजिए कि परिवार में किसी ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो कि दिव्यांग है या विकलांग है, तो दोस्तों किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, परिवार के सदस्य की जो आशाएं हैं वो किस प्रकार से बदल जाएंगी। मान लीजिए माता पिता और चाहे उनके दादी बाबा हों, उनके पुत्र पुत्री, सभी क्या सोचते हैं कि हमारे परिवार में एक अच्छा बच्चा जो है वो जन्म लेगा, लेकिन यदि एक अक्षम बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो सभी की जो आशाएं होती हैं वो बदल जाती हैं, और इस स्थिति में वो बच्चे को अस्वीकारते हैं, यानी कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को अस्वीकार की भावना से देखते हैं, सोचते हैं कि बच्चा जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। अभिभावक सोचते हैं कि अब इस बच्चे का क्या होगा आगे चल करके, एक दूसरे पर दोष आरोपित करते हैं, यानी कि माता पिता पर दोष आरोपित करेगी और पिता माता पर दोष आरोपित करेंगे, स्थिति हो जाएगी अलगाव की, अलगाव की स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट आपका इसी में आगे डर की भावना, डर की भावना में आपका क्या होगा, डर की भावना क्या होगी, अक्षम बच्चा अगर परिवार में पैदा होता है तो किस प्रकार से उसका पालन पोषण होगा, और दूसरी चीज़ है बहुत ही मेन पॉइंट है, क्या हम दूसरा बच्चा कर सकते हैं, क्या हम दूसरा बच्चा भी कर सकते हैं, अगर हम उस बच्चे को करेंगे, यानी कि अगर हम उस दूसरे बच्चे को पैदा करेंगे तो क्या वो बच्चा भी तो दिव्यांग नहीं होगा, तो डर की भावना भी उत्पन्न होती, अपराध बोध। कुछ माता पिता बच्चे को मार डालने की सोचते हैं, कहीं छोड़ देने की सोचते हैं, तो ये सभी अपराध जो है वो सोचने लगते हैं। शोक की स्थिति, नेक्स्ट आपका पॉइंट है शोक की स्थिति, अब अगर परिवार में कोई अक्षम बच्चा होता है तो शोक की स्थिति आती है, और अगर काफ़ी मतलब माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे की मृत्यु की कल्पना भी करने लगते कि बच्चा ख़त्म हो जाए या मर जाए, अलग करने की प्रवृत्ति, बच्चे को अपने से अलग रखेंगे अभिभावक, समाज से भी बच्चे को अलग करने की सोचने लगते हैं कि अगर उसको पालन पोषण कर रहे हैं तो उसको भी हो सकता है कि एक कमरे में ही बंद करते हैं, समाज से अलग करने की जो है वो बच्चे को सोचने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर बच्चे को स्वीकार लिया जाता है तो हो सकता है कि उसके घर में बहुत ही अच्छी, हो सकता है कि मतलब जो भी शोकग्रस्त लोग हैं अगर बच्चे को स्वीकारते हैं तो क्या करेंगे, धीरे धीरे समाज के साथ में बच्चे को, या हो सकता है कि समाज में अगर बच्चे को भेज रहे हैं तो हो सकता है कि क्रोधित हों, या इस समाज में बच्चा सही से पलायन नहीं कर पा रहा है, समाज में बच्चा सही से ढल नहीं पा रहा है, तो उसमें भी मतलब माता पिता को बहुत ही तकलीफ होती है। व्यवसाय के साथ समझौता, अगर बच्चे का देख रेख करना है तो हो सकता है कि माता पिता दोनों अगर ड्यूटी पर जा रहे हैं तो दोस्तों उनको किसी ना किसी एक को समझौता करना पड़ेगा, घर पर ही रह करके बच्चे को शिक्षा देनी पड़ेगी। मानसिक चिंता भी बनी रहती है कि बच्चा आगे चल करके अपनी सुरक्षा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये सभी चीज़ें रहती हैं, और अगर करेगा तो कैसे करेगा, हम इसको कहाँ पर ले जा करके कैसे इसको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पुनर्वास की प्रक्रिया, बच्चे को रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के लिए बच्चे को ले जाना है, बच्चे को पुनर्वास की प्रक्रिया में ले जाना है, तो परिवार या माता पिता की क्या भूमिका रहेगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसिक मंदित बच्चों में के पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार का महत्व या परिवार का प्रभाव।
सबसे पहले दोस्तों रिहैबिलिटेशन के लिए यानी कि पुनर्वास के लिए सबसे पहले कारण जानने की आवश्यकता होती है कि किन कारणों से बच्चा जो है वो अक्षम हुआ। बच्चा अगर अक्षम हुआ तो किन कारणों से हुआ, ऐसे कौन से हो सकता है कि कुछ पारिवारिक कारण है, हो सकता है कि माता में कोई कमी रह गई हो सकता है कि किसी प्रकार का माता का सेवन रह गया हो सकता है कि डॉक्टर की सलाह नहीं ली गई हो, तो कारण जानने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से क्या कारण ऐसे रहे जिससे कि बच्चा जो है वो अक्षम हुआ। इसके बाद में बच्चे की भविष्य की चिंता, दूसरा क्या होगा आपके बच्चे की भविष्य की चिंता की जाएगी। जब तक अभिभावक अपने भविष्य बच्चे मतलब बच्चे की भविष्य की चिंता नहीं करते हैं तब तक ये मान के चले कि बच्चे का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में बच्चे को सुविधाएं, जानकारी और अभिभावकों को अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि अभिभावक सभी अवेयर होने चाहिए कि हम किस प्रकार से बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्र विकास की अवस्था, एक अक्षम बच्चे को अन्य सामान्य बच्चों की तरह वस्तुओं का उपयोग करने एवं घूमने, खाने और पहनने की छूट होनी चाहिए और ये सभी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो परिवार को निभानी चाहिए। अक्षम बच्चों हेतु जन सहयोग प्राप्त करना, लोक कल्याण हेतु कार्य करना और समस्याओं की पहचान करना, ये सभी जो हैं वो एक अक्षम बच्चे के लिए किया जाना चाहिए। पुनर्वास प्रक्रिया, अब अगर परिवार पुनर्वास प्रक्रिया में जुड़ जाएगा, बच्चे के रिहैबिलिटेशन में अगर परिवार जुड़ जाएगा तो परिवार से क्या होगा कि बच्चा आगे जा करके एक अच्छा नागरिक बन सकता है, समाज में उसका समायोजन भी हो सकता है और जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। ना ये मान के चलिए कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, अगर उसको स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है तो स्पीच थेरेपी दिलाएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आवश्यकता है तो वो दिलाएंगे, जो भी चीज़ें बच्चे को आवश्यकता हैं हम उन चीज़ों को बच्चे को दिला सकते हैं जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपके परिवार की आवश्यकताओं का आकलन, परिवार की आवश्यकताओं का आकलन, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी आपका 1.4 तक जितनी भी यूनिटें हैं, 1 यूनिट से लेकर के 1.4 यूनिट तक, सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे हर बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मान के चलिए कि 2 प्रश्न आपको यूनिट 1.1, 2, 3, 4 में से ही आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर का प्रश्न हो चाहे वो 5 नंबर का प्रश्न हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि परिवार की आवश्यकताओं का आकलन किस प्रकार से किया जाएगा। पहला आपका स्तर के आधार पर आवश्यकता और दूसरा आपका सदस्यों के आधार पर आवश्यकता। स्तर के आधार पर, स्तर बच्चे का अगर हम स्तर जानने की कोशिश करेंगे तो बच्चे के कारण क्या हैं, दिव्यांगता का कारण क्या है, भविष्य की चिंता क्या है और विकास के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है या नहीं, बच्चे की को संप्रेषण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। दूसरा आपका सदस्यों के कारण के आधार पर, इसके अंतर्गत बच्चों की आवश्यकता, संप्रेषण की आवश्यकता, स्वीकार करने की आवश्यकता, अभिभावकों की आवश्यकता, ये सभी जो आवश्यकताएँ हैं ये आपको सदस्यों की आवश्यकताओं के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। परामर्श कौशल, परामर्श कौशल क्या होता है, 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा काउंसलिंग स्किल, काउंसलिंग स्किल यानी कि परामर्श कौशल क्या होता है। तो बॉर्डन के अनुसार परामर्श कौशल की परिभाषा, परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता दी जाती है। परामर्श, जो भी समस्याएं हैं हम बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, बच्चे के लिए हम असिसमेंट करेंगे उस इंटरव्यू में और जो भी उसकी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान करेंगे, यही आपका परामर्श कौशल कहलाता है या परामर्श कहलाता है। परामर्श कौशल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में सहायता की जाती है, जिसके द्वारा लोगों के को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाई जाती है और परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, समस्याओं से निकलने के लिए समाधान की स्थिति को प्रोत्साहित करना, इसके लिए व्यवहार परिवर्तन करना, समस्याओं में
सुझाव लाना। तो दोस्तों ये आपका परामर्श होता है। आवश्यकता क्यों पड़ती है, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सीधी सी बात है, बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की मदद करने के लिए, व्यवसायिक विकास करने के लिए, उसकी जो चुनौतियां हैं शिक्षा देनी है उसके लिए परामर्श की आवश्यकता बहुत ही पड़ती है। किशोरावस्था में बच्चे का जो निर्वहन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, हम बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके तनाव को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसको परामर्श देते हैं हम। तो ये सभी जो होती वो परामर्श के अंतर्गत ही आपका आती है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे का समस्या व्यवहार क्या है उसको हम जानेंगे, समस्या व्यवहार को दूर करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं परिवार की आवश्यकता एवं हस्तक्षेप, यानी कि बच्चे के लिए, परिवार के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होंगी और बच्चा किस प्रकार से, अगर हम उसको हस्तक्षेप करते हैं तो बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। तो किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन होता है, माता पिता और परिवार होता है। अगर बच्चे का जन्म होता है उसके बाद में जो भी आवश्यकताएं की पूर्ति होती, चाहे वो सामान्य बच्चा हो कोई भी बच्चा हो, उसके लिए एक परिवार ही जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। सामान्य बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और उनके कार्य व जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में अक्षम बच्चों की जो उम्र होती है उसके साथ में जो उनकी माता पिता की जिम्मेदारी है वो और अधिक बढ़ती जाती है, और समुदाय में लोगों की मदद जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक अक्षम बच्चे को समाज में बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो दर्जा दे पाते हैं। तो अक्षम बच्चे हेतु जन सहयोग प्राप्त करना, लोक कल्याण के लिए कार्य करना, बच्चे के लिए समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं का निदान करना, पुनर्वास की प्रक्रिया में परिवार को सहभागी बनाना और स्वीकार करने की आवश्यकता और अभिभावकों की आवश्यकता, तो ये सभी आपके परिवार के लिए जो हस्तक्षेप है वो हम करा सकते हैं और बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। प्राथमिक अवस्था में भी, नैदानिक अवस्था में भी और समाधान की अवस्था में भी। प्राथमिक अवस्था में क्या चीज़ों को हम जानेंगे, नैदानिक अवस्था में क्या उसका हम निदान करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उसको हम दूर करेंगे, और समापन अवस्था में हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको दूर करके हम समाज में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी चीज़ों को थोड़ा समझ के पढ़िएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको हर बार बोलता हूँ, सेकेंड ईयर में आप याद नहीं कर सकते। बच्चों के पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का पालन पोषण अगर हो रहा है उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं पालन पोषण को, तो समाज का आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, जो सांस्कृतिक है और उस वहाँ की परंपराएं हैं, ये सभी, ग्रामीण बच्चा गांव में रह रहा है या शहर में रहा है ये भी उसको प्रभावित कर, अभिभावक कैसे हैं, बच्चे की देखरेख करने वाले हैं या बच्चे को देखने वाले नहीं हैं, बच्चे की स्थिति क्या है और पर्यावरण क्या है, तो ये सभी जो हैं वो परिवार जो है मतलब जो पालन पोषण है उसमें प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बच्चे का भोजन, बच्चा अपनी क्रियाओं को करता है या नहीं करता है, यानी कि नहाना, वेशभूषा, शौच प्रक्रिया, सोना, इस प्रकार की क्रियाओं को कर पाता है या नहीं कर पाता है, खेलता है या बच्चा नहीं खेलता है, समाज में रहकर के बच्चा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चा अनुशासन में है या नहीं है, समस्या व्यवहार, देख रेख, खेल और समाजीकरण, ये सभी चीज़ें जो होती है वो बच्चे के पालन पोषण के तत्व कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि विकलांगता बनाम सामान्य बच्चे, यानी कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं और सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे सामान्य बच्चे, मान लीजिए एक बच्चा घर में दिव्यांग है और बाकी जो भी दो तीन बच्चे हैं वो घर में सामान्य है, तो अगर आपका बच्चा जो कि दिव्यांग है और वो सभी सामान्य बच्चों के साथ में खेल रहा है और सामान्य बच्चे उसके साथ में खेल रहे हैं, उसका पूरा साथ दे रहे हैं, तो बच्चे को क्या गर्व महसूस होगा, प्राउड फील करेगा बच्चा। और अगर यही स्थिति उल्टा हो जाती है, यानी कि सामान्य बच्चा दिव्यांग बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों शर्म की भावना भी उत्पन्न होती है, बच्चा सामान्य बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, बच्चा समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
क्रोध, गुस्सा व ईर्ष्या। मान लीजिए कि बच्चा अगर क्रोध, गुस्सा व ईर्ष्या, आपका बच्चा यह सोचकर ईर्ष्यालु व क्रोधित हो सकता है कि विकलांग बच्चों की तरह वह सामान्य व्यक्ति को सामान्य बच्चे का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जिससे कि वह स्वतंत्र हो सके। और परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहाँ पर हम अपने एक सामान्य बच्चे को बिठाएं, जो चीज़ हम सामान्य बच्चे को दें वही चीज़ जो है हम अपने दिव्यांग बच्चे को भी दें, जिससे कि वो भी आत्मनिर्भर बन सके और उसके अंदर ईर्ष्या गुस्सा की भावना उत्पन्न ना हो। अपराध भावना और शर्म, नेक्स्ट रीडिंग आपकी, अपराध भावना और शर्म। अपराध भावना, सामान्य बच्चा यह भी सोचकर शर्म महसूस करता है कि उसका भाई उसके सामने कैसा व्यवहार करता है और वह किस प्रकार का दिखाई देता है। मान लीजिए किसी बच्चे का, एक दिव्यांग बच्चा है जिसका सिर बड़ा है, यानी कि उसके हाइड्रोसिफेली है, तो एक सामान्य बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ उसको मिलाने के लिए लाएगा तो क्या करेगा, उसको नहीं मिलाएगा, घृणा की दृष्टि या शर्म की दृष्टि से वो देखेगा उसको। अगर ये सभी चीज़ें उसके पास नहीं रहती है तो ये मान के चलिए कि बच्चे को हम, दिव्यांग बच्चे को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उदास व अन्य मित्रों को अपने घर ना बुलाना, यानी कि जब देखता है सामान्य बच्चा कि हमारे घर में एक दिव्यांग बच्चा है तो अपने सभी मित्रों को घर नहीं बुलाता है, उदास रहता है। चिंता व भय, ये सभी चीज़ें, चिंता व भय आप माता पिता के साथ भी हो सकता है। अकेलापन, अगर हम विकलांग बच्चे को सभी सामान्य बच्चों के साथ खेलने नहीं भेजते या नहीं बच्चा खेलता है तो उसको अकेलापन महसूस होता है, तनाव भी महसूस होता है। इसके बाद में आपका केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केस हिस्ट्री मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाया था केस हिस्ट्री पर, उसको मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। केस हिस्ट्री देख लीजिए क्या होता है। केस हिस्ट्री किसी अकेले व्यक्ति की घटना या समुदाय की खोजबीन करना है। आंकड़े प्रायः विभिन्न साधनों एवं विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े किस प्रकार से एकत्रित किए जाएंगे, बच्चे का साक्षात्कार करके, यानी कि इंटरव्यू का यूज़ करके, और बच्चे का अवलोकन करके, बच्चे का अवलोकन करके जो है वो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। जो केस स्टडी का जन्म नैदानिक चिकित्सा से हुआ, और केस स्टडी जो है आपकी रोग का व्यक्तिगत इतिहास, यानी कि जो भी रोगी है उसका पर्सनल जो भी हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश की जाती है। वो उसके लिए असेसमेंट भी किया जा सकता है, साक्षात्कार भी किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति के जो भी चीज़ें हैं उसको हम जान सकें और मनोवैज्ञानिक ढंग से या किसी भी चीज़ से जो भी उसका निदान है वो किया जा सके। मान लीजिए कोई बच्चा मानसिक मंदित है, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात से ग्रसित है, बहुविकलांगता से ग्रसित है, तो हम उसका दोस्तों निदान कर सकें और धीरे धीरे उसका हम उपचार करके उसको हम आत्मनिर्भर बना सकें। केस हिस्ट्री में बच्चे की आयु, बच्चे का नाम, बच्चे का लिंग, माता पिता, व्यवसाय, सामाजिक, आर्थिक, धर्म, बोलने चलने की भाषा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो उपयोग में लाते हैं। पढ़ लीजिएगा अच्छे से केस हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट लगाइएगा केस हिस्ट्री क्या होती है, केस हिस्ट्री के लाभ क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट लगाइएगा। व्यक्तिगत, बच्चे का व्यक्तिगत इतिहास क्या है। होम विजिट आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, आप लोगों को आज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। होम विजिट यानी कि गृह मुलाकात क्या होती है और होम विजिट में क्या कुछ होता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने दो बार लगभग में पढ़ ली होगी, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है होम विजिट, तो आप लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लैंगिकता, सेक्सुअलिटी यानी कि लैंगिकता क्या होती है, लैंगिकता क्या होती है। अब यहां पर लैंगिकता शब्द लिखा गया है, सेक्सुअलिटी शब्द लिखा गया, तो ये मान के चलिए कि लोग हिचकिचाते हैं इस शब्द को बोलने के लिए, जबकि मित्र आपस में इन्हीं शब्दों पर बात भी करते हैं, चाहे वो महिला मित्र हो चाहे वो आपका पुरुष मित्र हो। अभिभावक स्वयं भी लैंगिक विषयों पर चर्चा करने के लिए आनाकानी करते हैं, और जब कोई भी चीज़ें असुरक्षित या जिम्मेदार या मौज मस्ती में लोग
चीज़ों को करते हैं तो क्या बच्चा कैसा मानसिक मंदित या जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षण ये बढ़ता जाता है। मानसिक मंदित जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्तियों में जो लैंगिकता की भावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हम में से अधिक व्यक्ति मानसिक मंदित किशोरों के साथ में लैंगिक विचार पर चर्चा करने के लिए प्रतिकूल हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और घर के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि एक हमारा मानसिक मंदित बच्चा है, हो सकता है कैसे ठीक हो जाए, तो चलिए उसका हम विवाह करा देते हैं। अगर हम बच्चे का विवाह करा देंगे तो हो सकता है कि बच्चा ठीक हो जाए। और विवाह हो सकता है कि बच्चा ठीक हो जाए और हो सकता है कि बच्चे बिल्कुल भी ना ठीक हो, ये भी कारण हो सकते हैं कि जो मानसिक मंदित बच्चा है या मानसिक मंदित जो व्यक्ति है और कोई भी अक्षमता अगर मान लीजिए हो सकती है तो उसमें सभी तरह के सुख सुविधाएं, मनोरंजन, कार्यशालाएं, ये सभी चीज़ें जो होती है वो आवश्यक होती हैं। और अगर हम मानसिक मंदित व्यक्ति की शादी के संदर्भ में बात करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो इसके संदर्भ में सुझाव या सलाह जो है वो दी जाती है, उनको चीज़ों को सिखाया जाता है। प्रायः इस क्षेत्र में व्यवहारिक विवाह के लिए सुझाव नहीं देते और कुछ सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत क्षमताएं, इन सभी के कारण जो होती है वो प्राथमिकता है, उसके कारण विवाह कराया जाता है। पति पत्नी और जो परिवार होता है इसकी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। सफल विवाह, मान लीजिए एक सफल विवाह कब हो सकता है? बौद्धिक, भावनात्मक व शारीरिक परिपक्वता बच्चे में होनी चाहिए, तभी सफल विवाह होगा। यानी कि बुद्धि, भावनाएं और शरीर की परिपक्वता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नए परिवार व नए जीवन साथी के साथ समायोजन की योग्यता अगर है तो वह विवाह सफल होगा। दैनिक रहन सहन की जिम्मेदारियों को निभाने की योग्यता, नए परिवार के कार्यों को निर्वहन करने की और जिम्मेदारियों को निभाने की योग्यता या क्षमता, परिवार को आर्थिक सहारे की योग्यता, यौन संबंधों को निभाने की क्षमता, ये सभी चीज़ें जो होंगी वो सफल विवाह के लिए उपयोगी होती हैं। विवाह, मानसिक मंदित विवाह जो बच्चे होते हैं उनके विवाह कराने की अगर लोग बच्चे सोचते हैं या माता पिता सोचते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि ये सभी चीज़ें बच्चे में हैं या नहीं है। बच्चा आगे चल करके अपने इस वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। पुनर्वास में माता पिता की सहभागिता, अगर बात कर लें कि पुनर्वास में माता पिता की क्या सहभागिता रहती है, बच्चे को पुनर्वसित करने में माता पिता की क्या सहभागिता रहती है। अभिभावक अक्षम बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रमों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षा जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, आप सभी को यह बात पता है। विशेष बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व घर पर ही सीखने का मौका प्रदान करना चाहिए। यानी कि जो भी सामान्य बच्चे हैं और जो भी हमारे विशेष बच्चे हैं, कोई भी बच्चा हो, इसके लिए हम विद्यालय अगर बच्चे को भेज रहे हैं उससे पहले हम उसको कुछ घर पर भी सिखाने की जो है चेष्टा करनी चाहिए, घर पर भी चीज़ों को सिखाना चाहिए और जो गलत धारणाएं हैं इसको बिल्कुल भी नहीं सिखाना चाहिए। विशेष बच्चों के माता पिता व अधिकारों के लिए अत्यधिक रियायतों की मांग करते हैं और विशेष बच्चों को विशेष विद्यालयों में, विभिन्न संस्थाओं में जो है वो पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और जो शिक्षा है उसको, बच्चे को शिक्षित करने की एक आशा बनी रहती है। विशेष अभिभावकों की जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी होती हैं कि जिम्मेदारी क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसा ध्यान देते हैं बच्चे पर जैसे कि मतलब बच्चा विशेष है ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो मैं देखता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, बच्चे को नहलाना धुलाना ये सभी क्रियाएं बच्चे को नहीं कराते, केवल और केवल जो सामान्य बच्चे हैं उनकी तरफ ही देखते हैं। विशेष बच्चों के व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी लेना और व्यवसायिकों के साथ IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, इसको देखना और उसके जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में बच्चे के लिए सहयोग करना, विद्यालय के निर्देशों का पालन करना और जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको बच्चे को बढ़ाना, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे को घर के पर्यावरण के अनुसार प्रशिक्षित करना, विशेष बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए IEP निर्माण में
सहायता या सुझाव देना। ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक घर में होनी चाहिए। पुनर्वास योगीकरण, यानी कि पुनर्वास क्या होता है पढ़ लीजिएगा, और आपके लिए जो पुनर्वास है, पुनर्वास की परिभाषा या पुनर्वास क्या होता है एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं अब सीधे चलता हूँ। आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभिभावक संघ आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं बनता है। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको समझने के लिए हैं, लेकिन आपका जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि संसाधन जुटाना, संसाधन यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन या संसाधन जुटाना, देखिए इसमें क्या होता है, पुनर्वास सरकारी व गैर सरकारी को मिला जुला रूप होता है। यानी कि पुनर्वास प्रक्रिया में जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं बच्चे के अंदर, वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं में प्रोवाइड कराई जाती हैं। पुनर्वास सेवाओं को सफल बनाने के लिए समुदाय व्यवसायिक जो होते हैं वो अक्षम बच्चों के माता पिता एवं अक्षम व्यक्तियों को स्वयं योगदान के लिए देना चाहते हैं। समुदाय संसाधन को संगठित करना, इसमें क्या होता है, जो मानसिक मंदित व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं के बारे में समुदाय को जागृत करना होता है, और पुनर्वास सामाजिक व भागीदारी जो होती है वो उस पर जोर देता है। संसाधनों के प्रकार में मानवीय संसाधन, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए फंड आएगा सरकार से, सामग्री कौन होगी, नैतिक सहारा क्या क्या होगा, और किस स्तर तक हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और समाज में जो भी धारणाएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, समाज में हम अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, रोकथाम क्या होगी, कारण क्या हैं, प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का निर्देश दिया जाता है। समुदाय भागीदारी पुनर्वास यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट रिहैबिलिटेशन, इसमें गैर सरकारी भी लोग आते हैं, स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और निःशक्त व्यक्तियों के लिए इसका बहुत ही अहम रोल होता है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्वयं वकालत बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ पर अगर हम परिभाषा, स्व वकालत की परिभाषा लिखिए अगर आपसे पूछता है, स्व वकालत या स्वयं वकालत की परिभाषा लिखिए। दो नंबर के प्रश्न हैं, उनके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की, आप लोग देख लीजिएगा दो नंबर के प्रश्नों को। आत्म वकालत का अर्थ है कि व्यक्ति का अपने निहित या पक्ष में वकालत करना, अपने पक्ष में, अपने निहित में, अपने हित में वकालत करना, यह सभी सामाजिक सक्रिय आंदोलनों का अधिकार है, और आत्म वकालत अक्षम व्यक्तियों को स्वयं के लिए, दूसरे के लिए बोलने का अवसर देता है। यानी कि अक्षम व्यक्तियों को आत्म वकालत या किसी दूसरे व्यक्ति को अपने लिए या दूसरे के लिए जो बोलने का है वो अवसर देता है। उद्देश्य क्या क्या होते हैं आत्म वकालत के, अपने अधिकारों को जानना व उसके लिए खड़ा होना, स्वयं वकालत, अपने अधिकार जो हैं उसको जानना, नाम से ही स्पष्ट है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता की मांग, सहायता मांगना, सूचनाएं प्राप्त करना, निर्णय लेना, नेतृत्व की भावना का विकास करना, स्वयं वकालत के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना। अब हम बात कर लेते हैं समुदाय पर, यानी कि कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट है आपका समुदाय की परिभाषा। देखिए समुदाय की परिभाषा अगर हम बात कर लें, परिभाषा क्या होती है समुदाय की, अभी आप लोग समझ आएंगे कि समुदाय क्या होता है। मेंजर के अनुसार परिभाषा क्या है, वह समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। क्या कहा इन्होंने, वह समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। या आगबर्न में क्या कहा, समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। अगर हम बात कर लें डेविस की, तो इन्होंने परिभाषा की क्या दी, तो इन्होंने कहा कि समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष आते हैं। ऐसे अगर हम मैकाइवर की परिभाषा बात कर लें, तो यह किसी छोटे या बड़े समूह के साथ या छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक प्रकार के रहते हैं, और वह यह विशेष जो चीज़ें वो एक दूसरे में निहित रहती हैं, और दिशाओं में जो मूल दिशाएं हैं उसमें भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है, और समाज में अलग अलग रहने के लिए और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समुदाय की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
समुदाय की विशेषता क्या क्या होती हैं, समुदाय की विशेषता क्या है। अभी मैंने आपको परिवार की विशेषताएं बताई थी, अब हम समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोगों का समूह समुदाय में होता है। क्या होता है? लोगों का समूह। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक जो समुदाय है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा होगा, वहाँ पर जो व्यक्ति हैं निश्चित होंगे, घर निश्चित होंगे, जो भी अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है उसमें समुदाय के जो लोग हैं वो रहे। श्रम विभाजन, प्रत्येक समूह में कुछ कार्य निहित होते हैं और जिनके लिए समूह चलता है। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी कार्य को स्वयं नहीं कर सकते। व्यक्ति में विभिन्न कुशलताएं एवं दृष्टिकोण होते हैं, यह कारक श्रम विभाजन करते हैं और व्यक्तियों के व्यवसाय के लिए विशेषज्ञ बनाते हैं। सामुदायिक भावना, विशेषता क्या होगी? सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना के अंतर्गत सामुदायिक स्थानीय क्षेत्र माना जाता है और उसमें या वहाँ के लोग परस्पर भाषा का ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उस समुदाय में जरूरी होता है। सामान्य उद्देश्य, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर सामान्य उद्देश्य के साथ में लोग रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट था आपके लिए और पढ़ लीजिएगा। CBR आप सभी पढ़ लेंगे, आप सभी ने CBR के बारे में एक फाइल पूरी बनाई है CBR की, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की, और वहाँ पर आपको जो है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन क्या होता है? सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन। सरकारी संगठन मानसिक मंदिर जो बच्चे हैं, जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। गैर सरकारी संस्थाएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कल्याण की ओर अग्रसर किए बिना लाभ को करने के लिए संस्थाएं होती हैं और जो मानव एवं सामाजिक विकास के लिए वकील, सेवादाता, कर्मठ एवं शोधकर्ता के रूप में कार्य जो होते हैं वो निभाए जाते हैं। मान लीजिए कि गैर सरकारी संगठन है उसके अंतर्गत कौन आएंगे और सरकारी संगठन है उसके अंतर्गत। गैर सरकारी संगठन विशेष विद्यालय, पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार परक प्रशिक्षण और समेकित और आवासीय पुनर्वास सेवाएं जो है वो गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत आते हैं। सरकारी संगठन में आपका स्वास्थ्य केंद्र हुआ, जिला अस्पताल हुआ, जिला पुनर्वास केंद्र हुआ, विशेष विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र हुए, तो ये सभी आपके सरकारी संगठन के रूप में कार्य करते हैं। तो बाधा रहित वातावरण, आप सभी को पता है बाधा रहित वातावरण के उद्देश्य क्या होते हैं, आप सभी ने दो पेपर्स में पढ़ते हुए बाकायदा चले आ रहे हैं। इसके बाद में फिर से समुदाय आपका, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लिंग्वेसी, उसके बाद में आपका यूनिट 5.5 जो कि आपके लिए RCI क्या है, NTA एक्ट क्या है, और NTA एक्ट के अंतर्गत, देखिए पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि NTA एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी जो है वो जो योजनाएं हैं वो कार्य करती हैं। तो दोस्तों NTA एक्ट के अंतर्गत ज्ञान प्रभा आती है आपकी, दूसरी आपकी उधम प्रभा, तीसरी आपकी अरुणिमा आती है, और चौथी आपकी निराम्या आती है, और आपका घरौंदा आती है। तो ये सभी जो हैं वो आपकी NTA एक्ट के अंतर्गत आती हैं। RCI के बारे में आप सभी को पता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, और इसके बारे में जानकारी आप सभी को होगी। तो दोस्तों जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था आप बता दिया गया है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मॉडल पेपर के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।